हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन अभी आपके आरपीएफ एसआई और कॉन्स्टेबल में पूछे जा रहे हैं। ये सभी आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और देखते हैं कितने बच्चे 50 में से 40 सही कर पाते हैं। अगर आप 40 सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आप एक उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर बच्चा सिलेक्शन ले लेता है। तो प्लीज़ पूरा एंड तक ट्राई करिएगा, अपना स्कोर एंड में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं प्रैक्टिस वीडियोस, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लाइक के साथ में। प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, तो उसमें आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा। पहले का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविनसन जुड़े थे। तो बिल्कुल सही है, 2 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। दोस्तों, अगर आप पुराने टेस्ट भी देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप पुराने टेस्ट भी देख सकते हैं। 3 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा, अगर टाइम आपको कम या ज्यादा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो 4 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णो उद्धार कराया। तो बिल्कुल सही, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो यहां पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो बिल्कुल सही है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ट्राई करके देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल बेहिचक होके। तो बिल्कुल से यहाँ पे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
बहुत अच्छा, 11वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे बोलने पर टेस्ट को एंड तक दीजिएगा आज। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको लिखकर पत्र को? तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा और राइट आंसर हो जाएगा 12वें का बी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो बिल्कुल सही है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किस कहां से कहां तक के अनुच्छेद में की गई है? संविधान से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे सी आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। हरित सूचकांक विकसित किया गया है, तो बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, और यहां पे 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 18 का यहां पे राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है, यानी कि बिजीएस्ट जो रहता है, सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपने सही लगाया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 में पूछा जा रहा है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो बिल्कुल सही है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो 22वें का राइट आंसर देखिए सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वायु दाब सबसे कम होता है, 23वें का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही, 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीरी स्थित है, नीरी कहां पर स्थित है? तो देखिए 24 का अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन मफलर संबंधित है,
तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो बिल्कुल सही है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? दोस्तों प्लीज़ टेस्ट एंड तक लगाइएगा, क्योंकि मेरा मकसद तभी कंप्लीट होता है जब पूरा टेस्ट आप लगा लेते हैं और मुझे स्कोर अपना बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे अपना स्कोर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी इज़ द राइट आंसर। 31, हेलोजन लैम्प का तंतु मिश्र धातु का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आइसोटोन होते हैं? तो 33 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, जिन्हें मतलब आप एग्जाम में देख सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने आंसर सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर। तो 35 का राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है, यह आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू परिस्थिति में सामान्य कौन सी परिस्थितिक प्रयोग में लाई जाती है? देखिए इसका मतलब होता है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है यह आपको बतानी है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आंसू गैस टियर गैस है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 39, इबोला क्या है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 39 का राइट आंसर ऑप्शन, तो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 आपका उत्तक में स्नायु जोड़ता है। तो 40वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CIC कौन है? तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, जो 22 मुख्य 22वें जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये ओम प्रकाश रावत थे, और जो अभी 23rd नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं, वो है सुनील अरोड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 17 अप्रैल 2018 को की गई घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 43, किस राज्य की सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्चों के साथ बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है? तो बहुत अच्छे, अगर आपने इसका राइट आंसर बता दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2018 जीती? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा 11 अप्रैल 2018 को की है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। अगर करंट आ रही है तो 2017 की भी बहुत कम पूछी जा रही है, 2018 की करंट आ रही है भाई। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, वाणिज्य विभाग द्वारा 24 अप्रैल 2018 को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली उपलब्ध कराए जाने की सूचना मार्च 2018 में सार्वजनिक की है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था, और आशा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर बिल्कुल बता देंगे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी की शादी मई 2018 में किससे हुई? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर लगा दिया होगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसकी पीडीएफ
MALIK, सौरभ मलिक आप सर्च करिएगा और लास्ट में लिखिएगा 17K, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल और वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखने की चाहत हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर आपको कुछ करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए। बाकी वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में दे दी हैं, मैथ की भी, रीजनिंग की भी और ऑनलाइन बाकी टेस्ट की भी। तो आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।